हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की है कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने। नालागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी केएल ठाकुर को हराया। हरदीप सिंह बावा की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया गया। हरदीप सिंह बावा ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि वो नालागढ़ के विकास के लिए पहले भी काम करते आए हैं और अब बतौर विधायक वो विधानसभा की सेवा करेंगे। मैं अपनी नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का बहुत मैं इनका कोट कोट प्रणाम करता हूं, इनको और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने इलाके की नालागढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए चुना है। मैं अपने सभी साथियों का, सभी कांग्रेस जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके आज हम लोग जो ये जीत प्राप्त हुई है, सब क्रेडिट जो है उनको जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का, जिनकी नीतियों की वजह से आज ये जीत हमें नालागढ़ में प्राप्त हुई है। और कई सालों बाद, लगभग 25 साल बाद आज जो है 34,000 पार जो है ये आज वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हमारे, चाहे पार्टी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी थी, हमारे हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे रोहित ठाकुर जी, हमारे राम कुमार चौधरी जी CPS, इन सभी का मैं कोट कोट इनको उनका धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से आज हम लोग एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री, मैं कहूँगा, नालागढ़ में हुई है। तो उसका क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को, उनके सभी सहभागियों को, सभी मंत्रीगणों का, सभी को एक क्रेडिट जाता है और ख़ास तौर पे नालागढ़ की जनता को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने आज मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जो है वो रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके नालागढ़ को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएंगे और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को जो है एक मॉडल विधानसभा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत दुष्प्रचार किया, बिलो दी बेल्ट हिट करने का प्रयास किया और बहुत ही दोषारोपण जो है बहुत दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ गया, स्थानीय जनता ने, इलाके की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। ऐसा है, ये बीजेपी और खासकर जयराम जी के मुंगेरी लाल के सपने थे। जयराम जी डे वन से रोज नई स्टेटमेंट देते थे कि कल सरकार बना रहे हैं, परसों सरकार बना रहे हैं। तो मैंने तो ड्यूरिंग इलेक्शन जब ये कंपेन में थे हम लोग, हमने उस समय भी जयराम जी से प्रश्न किया था कि जयराम जी ये बताएं कि कौन सी जादवी छड़ी उनके पास है कि 38 विधायक होते हुए वो सरकार बनाने का सपना जो है संजोए हुए हैं और उनका जो एक बुखार था एक तरह से वो नहीं उतर रहा है। 1.5 साल सरकार बने हुए हो गए, अब जयराम जी को समझ आना चाहिए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसकी भूमिका जो है वो निभाएं और जनता के काम में के लिए सरकार से सहयोग करें। क्या बद्दी नालागढ़ साथ चलेंगे विकास दौर में? बिल्कुल, बद्दी नालागढ़ साथ थे और साथ हैं, साथ रहेंगे। और बाबा जी को जिताने में हमारे जो दून के कार्यकर्ता हैं, खासकर हमारे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लगभग 8-10 हज़ार वोट जो है हमारे कहने से यहाँ पड़ती है, तो हमने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से हमने काम किया जिसके सत्य सीट जो है वो कांग्रेस को आई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा नालागढ़ से चुनाव जीते हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 पर बीजेपी की जीत हुई है।